नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता वार्ड में कैसे जनप्रतिनिधि चाहती है, क्या है उम्मीदें और क्या है समस्याएं, इसको जानने के लिए हमारी टीम पहुंच रही हर वार्ड तक। हमारे खास कार्यक्रम पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला में आज जानेंगे रायपुर के वार्ड क्रमांक 9 और 10 के हाल और जानेंगे मतदाताओं का मूड। नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। जी हां, चुनावी हल्ला इसलिए क्योंकि नगरी निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टी और निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर दी है और कमर कस ली है। इसी साथ जनता भी चाह रहे हैं कि उनका पार्षद कैसा हो, वो पिछले वाले पार्षद पिछले 5 सालों में कितना काम किया है। इन तमाम सवालों का जवाब हम यहाँ के जनता से लेते हैं। आइए हमको जानते हैं कि इनसे कि कितने पार्षद के काम से संतुष्ट हैं, आपके वार्ड में किस तरह के काम हो रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा है बेटा, कोई काम नहीं, तालाब डबरी सब गंदा पड़ा हुआ है, सफाई हो ही नहीं रहा है। क्यों मास्टर बोले नहीं होता सफाई? आपके मोहल्ले में आते हैं साफ करने वाले? नहीं, कोई करता बेटा, कोई नहीं करता। पानी मिलता आप लोगों को? पानी पानी नल का मिलता है ना। कितने समय आते हैं ये आने का समय होता है? दोनों टाइम मिलता है? 6 बजे आता है, कोई वक्त 7 बजे आता है। आता है, 1 घंटा भी नहीं चलता। आपको पेंशन मिलता है? पेंशन वही मिलता है बाबा, 300। समय पे मिल जाता है? कहाँ समय मिलता है, नहीं मिलता समय में, कट जाता है। ये क्या पैसा देते हैं बाबा, 8-9 महीने का 10 महीने का पैसा नहीं मिला, क्या दिया? 600 बस, बाकी पैसा है। आपको क्या समस्या हो आपके वार्ड में? यही तो है, पानी समय में आता है नहीं आता, बस कभी 7 बजे खो रहा है आधा घंटा, कभी खो रहा है तो 1 घंटा ऐसी चल रहा है। बिजली रहती है आपके यहाँ? बिजली? हाँ, बिजली तो रहता है। मोहल्ले में जैसे रात होते ही सड़क अंधेरा रहता है कि उजाला रहता है? यहाँ स्ट्रीट लाइट तो कहीं नहीं दिखता है। उजाला रहता है, बाकी क्या है, वही शब्बू को लोक वर्क शिकायत है तो उसको भी कभी कभी पेंशन मिलता है, कभी मिलता ही नहीं। सफाई कर्मी लोग आते हैं? सफाई होता है यहाँ पे रोज? अभी अभी आ रहे हैं लोग, वही गाड़ी कचरा लेते हैं बस। और वैसे तो अब चल ही रहा है, क्या बोलोगे, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या बोलोगे। अब यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं हम। आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि यहाँ बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, जो पिछले साल जो पार्षद ने जो कह के चुनाव लड़ा था कि मैं ये काम करूंगा ये काम करूंगा, जितने भी काम बोले होंगे उसमें कितने काम किए, कितने प्रतिशत? अब वो मैं आपको क्या बोलूं भैया, अब वो कौन कौन सा काम यहाँ पर, तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वजह ये है कि हमको 5 पीढ़ी से यहाँ गुजर रहे हैं, बाकी आज तक हमको ये मालूम नहीं हुई कि कौन सा काम हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। नहीं, क्या अभी क्या हुआ है कुछ आपसे, पहले जो 5 साल पहले था उसके बाद 5 सालों में क्या बदला है? आप तो देख रहे हैं यहाँ रह रहे हैं। साल में कुछ नहीं बदला है, ये 10 साल की रोड है, 10-15 साल अभी कुछ नहीं बदला है। आपको समय पे जो सफाई मिलना चाहिए, आपके जो मूलभूत सुविधा है, सड़कें हैं कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था है कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसा है, मूलभूत सुविधा सीखी है अभी, बहुत अच्छी है, सफाई हो रहा है, आते हैं निगम वाले बेचारे, सब साफ सफाई करते हैं, सड़क की भी साफ करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, अपन झूठ बोलने से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा 79 उम्र हो गया है, 80 साल होने वाला है, झूठ बोलने से क्या मतलब। तो ये सफाई वफाई तो हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सफाई वफाई हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सफाई तो हो रही है। अब आगे जाने के बाद में आपको ये पता होगा, इस मोहल्ले में सफाई तो हो रही है। और भी यहाँ पे साथी हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हम आप लोग से जानना चाहेंगे क्या स्थिति आपके वार्ड में, 5 साल पहले कैसा था आपका वार्ड और अभी कैसा है, मतलब कुछ बदलाव हुआ है पहले से? बदलाव तो हुआ है, रोड वगैरह बना है, उसके बाद ये नाली सफाई वगैरह ठीक से नहीं हो पाती, बाकी साफ सफाई तो मतलब डेली कर रहे हैं लोग, झाड़ू मारना ये करना जो भी है, बाकी नाली की समस्या रहती है ज्यादा, पानी वगैरह सबकी भी होती है। जैसे कहा नाली की समस्या है, सफाई नहीं हो रही है, तब तो यहाँ मच्छर भी होंगे, कई तरह के बीमार होते होंगे लोग, कोई बीमारी भी होता है इधर, पीलिया वगैरह की शिकायत ज्यादा होती है इस क्षेत्र में? शिकायत नहीं है यहाँ, सिर्फ मच्छर का ही है बस। और कुछ समस्या आपको जो यहाँ पे समझ आता हो? नहीं, अब जिस हिसाब से चलना चाहिए उसी हिसाब से तो ठीक ही ठाक है, अभी
है, कोई किसी को कोई शिकायत नहीं है। कितने प्रतिशत आप अपने पार्षद के काम से संतुष्ट हैं? ये मान के चलो हम तो 75 ही लेंगे। तो आगे जैसे अभी चुनाव होने वाला है, नए प्रत्याशी आएंगे, क्या उन किस टाइप का आपको पार्षद चाहिए होगा, क्या क्वालिटी होना चाहिए उनको, क्या मांगे हैं आपकी? पार्षद मतलब अगला पार्षद होता है तो वो भी मतलब कर्मठ होना चाहिए, मतलब मतलब पूरा वार्ड का मतलब अपना जो भी है अपनी जवाबदारी समझ के पूरा कार्य करे। बस आप इसी वार्ड के निवासी हैं? जी जी। तो आप यहाँ रह रहे हैं तो आप 5 सालों का दौर देखा है कि 5 सालों में कैसा था वार्ड, अब कितना परिवर्तन हुआ है इस वार्ड में, चाहे मूलभूत सुविधा की बात करें, चाहे जो भी योजना हो, वो पेंशन हो गया, शिक्षा है, मेडिकल कैंप लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें। देखिए जहाँ तक काम का सवाल है तो होता ही है, 70% 60% ऐसा चलता ही है, हर वार्ड में पूरा 100% तो कहीं नहीं आया है समय। बाकी ठीक है, इस बार तो महिला वार्ड घोषित कर दिया गया है, अब देखिए आने वाला कैंडिडेट कैसा होता है, फिर देखते हैं। हम लोग रोड तो बचा हुआ है तो कैसा करेंगे, बार बार बोले पार्षद को लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप जैसे कह रहे हैं पार्षद को बोले, उनके पास जाते हैं तो उनका व्यवहार कैसे होता है, जैसे आप अपनी समस्या सुनाए तो बोलते हैं करेंगे या चिल्लाते हैं, कैसा? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही है, ठीक है, करेंगे करेंगे आने वाले समय में कर देंगे बस। कितने समय से ये बोल रही है? जब से जीते हैं तब से बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर कई बार जाकर के पर्सनली भी बोले कि भाई हमारा पूरा रोड को बना दीजिए, इतना गड्ढा था उसको तो हम अपने खर्चे से पटाए हैं पूरे रोड को, उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो कैसा कर सकते हैं बताइए। अब आपने अभी का पार्षद तो देख लिया, अब वर्तमान में चुनाव है कुछ ही दिनों में, कैसा पार्षद चाहिए आपको? कुछ काम करे जो हमारा, सभी चुनाव के पहले सब गिनाते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, क्या पैमाना है आपके पास? पैमाना है, हमारे कुछ लोग हैं हमारे एज के लोग, आपस में बैठ करके हम लोग एक राय करेंगे, पहले कैंडिडेट तो देखें कौन आ रहा है सामने, उसके बाद हम चयन करेंगे, मन बनाएंगे कि किसको दिया जाए और किसको लाया जाए जो हमारा काम करे, हमारी सुने, हमारे दुख तकलीफ में काम आवे, बस उसको देखेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं आपस में राय शुमारी करके अपने 20 से लोग खड़े करेंगे? 20 से लोग को खड़े करेंगे, समझ गए, ठीक है, ओके। यहाँ पे और भी हैं लोग, इनसे जानना चाहेंगे, आप इसी वार्ड के निवासी हैं अम्बेडकर? जी जी। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा जाकिर अली। क्या समस्या देखने को मिलती है आपको अपने वार्ड में? आप युवा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस चीज की कमी लगती है कि अभी एक युवा है, हमको विकास के लिए क्या साधन चाहिए था जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है? देखिए सबसे पहले ये चाहिए कि जो भी पार्षद बनता है उसको ये चाहिए कि अपने क्षेत्र का निरीक्षण करे, जो जो कमी है उसको पूरी करे, और वार्डवासी खुश हैं कि नहीं ये भी सब गौर करना पड़ता है। और मैं भी अभी निर्दलीय में भरा हूँ, है ना, मतलब आप सीधा पार्षद के उम्मीदवार हैं अभी निर्दलीय, क्या एजेंडे रहेंगे आपके? आप जैसे अभी 5 साल देखा, क्या कमी है, क्या आपका एजेंडे रहेंगे आप चुनाव पे, जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप? मैं बस यही मुद्दा लेकर जाऊंगा कि मोहल्ला चमके और लोग खुश रहे, है ना, इससे ये तो सब बोलते हैं मोहल्ला, मैं विकास काम करूंगा, ये करूंगा, क्या कुछ है आपके पास कि मैं आया तो मैं ये स्कूल बनवाऊंगा, मैं आया तो मेडिकल कैंप कराऊंगा, ऐसा कुछ है आपके पास मुद्दे? वो तो सब तो बना बुनाया है, बस ये गौर पकड़ने वाली बात है लोगों की कि पहले उनके जाके दुख तकलीफ को पूछा जाए, मालूम उसके पूछने के बाद जो काम पकड़ेंगे वो काम में लोग खुश होंगे, है ना। अपने को इसको लेके चलना है, स्कूल कॉलेज वॉलेज अस्पताल बन चुका है लेकिन उसमें जा रहे हैं, उस जाने में कोई तकलीफ हो रही है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, इसको अपने को देखना है। तो अभी आपने सुना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी वो पार्षद के काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, हालांकि सफाई वगैरह कभी कभी बीच बीच में होता है। तो इस तरह यहाँ पे अभी आपने सभी लोगों को सुना, आगे और भी वार्ड के हम लोग आपको भ्रमण कराते हैं और उनके पास लेके चलते हैं कि दूसरे वार्ड की स्थिति क्या है अभी। अब हम पहुंच चुके हैं भीमराव अंबेडकर वार्ड के राम मंदिर पारा में, अब यहाँ लोगों से जानेंगे कि यहाँ के किस तरह की समस्या है, उनका क्या मांगे हैं और वो आगामी समय में कैसे प्रत्याशी चाहते हैं।
हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ रह रहे हैं, कौन सा जगह है आप रहते हैं? पुरानी बस्ती मोहर राम मंदिर के पास। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे आप लोग? तो तालाब साफ नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, नाली साफ नहीं हो रहा है, हमारे बस हम बोल के थक गए। कुछ समस्या यही वाला समस्या है हम लोग का। इसको लेकर किसी को शिकायत किए थे आप लोग? किसको? हम लोग सत्यनारायण शर्मा के पास भी गए थे तालाब के लिए, पार्षद के पास, सभी के पास चले गए हम लोग। क्या बोलते हैं उनके पास जब जब पहुंचते हैं आप लोग? करेंगे बोलते हैं, फिर नहीं हो रहा है। कितने बार गए हैं? हम लोग तो दो बार जा चुके हैं, अभी फिलहाल अभी और गए थे, भवन ओवन बनाएंगे बोले तो। पार्षद के पास गए थे कभी इसको लेकर बताने? पार्षद को कभी के पास गए थे ना तालाब के लिए, पार्षद के पास। क्या बोला, क्या बोले थे वो? तो करेंगे बोलते हैं लेकिन कर तो नहीं रहे हैं कुछ। उनके पास जाते हैं तो उनका व्यवहार कैसे होता है? जैसे नॉर्मल बातचीत करते हैं, गुस्से में बात करते हैं? गुस्सा उस्सा बात नहीं करते। और भी लोग हैं इनसे जानते हैं, आपके घर समय पे पानी पहुँचता है? निगम पानी भेजता है? कितना टाइम आता है? छह बजे आते। सफाई हवा बने? हाँ सफाई है, गंदगी पूरा सामने में, घर के सामने में। 7 बजे बंद हो जाते नाम। अच्छा, तो और किस तरह का आपको पेंशन मिलता है? पेंशन समय में मिल जाता है? कब मिलता है आपको पेंशन? 15 तारीख हर महीने को मिलता है? हर महीने। और कुछ आपकी मांग, जो क्योंकि आगे चुनाव है, अभी भविष्य में नया पार्षद आएगा, तो किस क्या उम्मीदें रखती हैं कि वो किस तरह से काम करे तो आपके वार्ड का विकास? आपका बोला था ये तालाब साफ हो जाए, ये रोड और नाली बन जाए, आपके बोला था हम। अच्छा, हाँ ये करा भवन के सामाजिक भवन। हाँ सामाजिक भवन। आपसे मांग कर रहे थे बहुत दिन के। हाँ, और कुछ समस्या आपके वार्ड में या कुछ आप लोग मांग करना चाहते हैं जो पार्षद से बताए होंगे वो कुछ? हम लोग भवन के लिए बोले थे और नाली वाली और तालाब के लिए। तो अभी आपने सुना राम मंदिर पारा के उन निवासियों का जो दोस्त सालों से त्रस्त हैं कि उनके यहाँ पे सफाई और गंदगी, नाली, साथ में ये जो तालाब, मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूंगा जिसके हम चर्चा कर रहे थे कि आप देख सकते हैं कि सौंदर्यीकरण के नाम पे यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन तालाब का हाल आप देखकर समझ सकते हैं कि सिर्फ इसके नाम पर पैसा गबन हुआ है, ना कि इसमें किसी तरह के कोई काम हुआ है। साथ ही आप यहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ है और बरसात के दिनों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मोहल्ला, ये जो घर आसपास के जो घर है इस पे पानी घुस जाता है और इसमें फिर इतने गंदगी होने के बावजूद कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और आपको हम बता दें कि यहाँ इसमें कई बार पीलिया के मरीज सामने आते हैं, उल्टी दस्त से यहाँ पीड़ित होते हैं। इसके बावजूद ये लोग विधायक से लेकर पार्षद तक की ये अपने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तब देखना ये होगा इनका समस्या का समाधान क्या आने वाले नए पार्षद के पास होगा या नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं मोवा के बाजार चौक में। अभी आपने दो वार्ड के लोगों का जो समस्या है उसे सुना, अब यहाँ के सुनते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की, क्या किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और आगामी चुनाव में इनकी क्या अपेक्षा है कि उनको पार्षद कैसे मिले। पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपके जो पार्षद हैं जो 5 सालों में काम किए हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है हम, कि यहाँ तो तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं है, सुलभ का भी वो नहीं है। और इसकी शिकायत लेकर जाते हो तो क्या बोलते हैं कि साहब तो जगह बताओ तो हम करेंगे, ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो जगह तो नहीं बचा ना भाई। तुम कितने दिनों से ये शिकायत कर रहे हैं आप, कैसे व्यवहार रहते हैं उनके पास जाते हो? तो व्यवहार जैसे कि मतलब ढंग से बात नहीं करते ऐसे। आप क्या कहना चाहेंगे इन 5 सालों को लेकर, जो 5 साल आपने देखा, आपके सामने से जो 5 साल गुजर गया, तो पहले का आपका वार्ड कैसा था, आप कैसा है, क्या परिवर्तन हुआ उनके आने से? यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही है। जगह है सुलभ के लिए तो सुलभ के लिए बनाने के लिए आर्डर, भाई विधायक कोटे से आता है तो कोई बोलता है कि हाँ जगह नहीं है और कुछ बन जाता है वहाँ जाने के बाद। पार्षद के पास समय नहीं है, विधायक उद्घाटन करने आता है उसके बाद फिर 4 महीने बाद पता चलता है सुलभ बनना नहीं। वार्ड में कभी घूमने उमने निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से? नहीं 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 निकलते, वार्डों में तो दिखता ही नहीं है। यहाँ पे जो सफाई का मामला हो, नाली, बिजली, पानी, ये सब सुविधा समय पे मिलता है और पर्याप्त है, स्वच्छ जल? नहीं नहीं स्वच्छ नहीं, आए दिन देखो पीलिया का शिकायत आते रहता है। सबसे ज्यादा मोह सुर्खियों में रहता है कि पीलिया कापा में फैल रहा है, प्रेमनगर में फैल रहा है,
किसी के पास समय नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि नए अभी जो नए जो लड़के जो हैं युवा जो आप पार्षद के लिए खड़े हो रहे उनको समय दें। तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं, आप क्या मांगे हैं आपकी, अभी क्या जो गड़बड़ है जिसको सुधार सकें, क्या अभी कमियां हैं जिसको नया पार्षद आके पूर्ति कर सकें? नए में मतलब यही चाहते हैं कि हमारे जो बीच के हैं युवा वो वैसा पार्षद चाहिए कि अपन बड़े को ज़्यादा बोलने से अब जैसे बड़े लोग को दिए अब उसके जैसे हमने ज़्यादा बोल नहीं पाते अपन ना ज़्यादा मतलब बोलने का मतलब ये है कि अपन मतलब खड़ा सब तो नहीं बोल सकते, बुजुर्ग आदमी है यार ये तो अपन क्या हम डोली वाला पार्षद चाहिए जो अपन जा दो दोस्ती यारी टाइम में जो अपन कल जा के बोले तो अपने बात सुन रहेगा आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके सामने से आपने पूरा कई चुनाव देखा है इसके पहले उसके पहले कई पंचवर्षीय आपने देखा है कि ये 5 साल कैसा रहा है? 5 साल का वो तो इसे से कोई सहेगा, यह कोई काम धाम अच्छे तरीके से हो भी नहीं करे, हम तो किसी के पार्षद के बदलाव होना जरूरी है और काय बोलूँ भाई बस आज के बोलूँ। नहीं नहीं आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप यहाँ के मार्गदर्शन के रूप में हैं, आपके उम्र से लोगों को सीखने को मिलेगा तो आपका अनुभव इनकी काम आएगी, तो क्या यहाँ पे आपको जो समस्या दिख रही है इसके लिए जिम्मेदार पार्षद है? तो कोई नहीं, तो पार्षद ही जिम्मेदार, खबर श्यान वही बना है तो जिम्मेदार वही रही। आप कैसे सोचते हैं इस वार्ड के जो 5 वर्ष के काम है उसको कैसा देखते हैं आप? तो इस वार्ड में अभी तक जो पहले के 5 साल रहे हैं जी तो अभी तक कोई ऐसा प्रोग्रेस दिखा नहीं है अभी तक, ठीक है ना, और जो होना चाहिए गरीब लोगों के बीच में पार्षद के ये है ना इसके अंदर कुछ हुआ अभी तक नहीं है, अभी तक दिखा नहीं है 5 सालों के अभी तक, ठीक इसमें कुछ चेंज होना चाहिए और कुछ होना चाहिए समाज के लिए। क्या पार्षद बदलना जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है, इसके लिए जरूरी। आप लोग जाते हैं कैसा व्यवहार रहते हैं? देखिए अभी तक तो आए ही नहीं, इस क्षेत्र में घूमे ही नहीं कभी, बहुत लोग को पता भी नहीं है कि अनवर हुसैन है कौन, ठीक है ना, तो इसे पता चलता है कि वो क्षेत्र में क्या काम किए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या चाहते हैं आप? नहीं बदलाव चाहिए और लोगों के बीच में काम करें। यहाँ भी और युवा साथी हैं उनसे जानते हैं, यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपने 5 साल को देखा है कैसा रहा इस दौरान का काम? इस दौरान का काम क्या भैया, हमको समझ ही नहीं आया क्या काम हुआ मोहन अभी तक, है ना, और हमारे यहाँ ना तो तालाब का सौंदर्यीकरण हो पाया है। ऐसा आया था सौंदर्यीकरण से पता चला होगा कहीं से? अपन सुने थे ये कि मतलब मढ़िया तालाब है आगे हमारे रोड के ऊपर में मढ़िया तालाब है, उसके लिए सौंदर्यीकरण का कुछ बातचीत हुआ है, नगर निगम में टेंडर वगैरह लगा है, ऐसा चला था लेकिन अभी तक। हाँ ये सबसे बड़ी समस्या मोवा के लिए है, बीमारी पीलिया की बात करें, खुजली की बात करें, दस्त की बात करें, ये तमाम तरह की बीमारी सुनने को मिलता है, क्या कारण है कि यही ज्यादा होता है? मुआ में क्या है भैया, मुआ में पूरा मुआ में बीमारी नहीं हुआ है अभी तक, जहाँ जहाँ होता है जो कांपा का जो क्षेत्र है वहाँ पीलिया के लिए बहुत पीलिया फैला हुआ था, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में फैला था पीलिया, है ना। यहाँ पानी सब नहीं मिलता साफ? पानी साफ मिलता है और पानी से ही बीमारी होती है, नालियों की सफाई ढंग से नहीं हो पाती है इसीलिए मतलब बीमारी फैलता है। आप जैसे अभी पार्षद लड़ रहे हैं जी, आप लोगों के बीच जाएंगे, क्या एजेंडा रहेगा आपका, क्या मैं क्या करूंगा, आपकी कोई रणनीति है? रणनीति है भाई, हम चाहते हैं कि गरीबों के जो मतलब सामान्य जो गरीब लोग हैं, गरीब बस्तियों में जो विकास होने चाहिए वो रुके हुए हैं यहाँ, वो विकास हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो, निस्तारी के लिए जो तालाब है मुआ में, सिर्फ समझ लो अभी तो एक ही तालाब है निस्तारी के लिए मुआ में, तो वहाँ सभी वर्ग के लोग जो दत्तात्र वगैरह कार्यक्रम होता है जाते हैं वहाँ, तो व्यवस्था नहीं हो पाता, तो जिस तरह का वहाँ व्यवस्था होना चाहिए उस टाइप का व्यवस्था नहीं है वहाँ, तो हम प्राथमिकता से ये चाहते हैं कि जो मुआ मढ़िया तालाब है उसका सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे तरीके से हो। तो आपने अभी यहाँ पे मुआ के तमाम नागरिकों को सुना, यहाँ निवासी हैं जो पार्षद के कार्यों से त्रस्त है, यहाँ तक कि लोगों को ये नहीं पता कि पार्षद कौन है और वो इस वार्ड में कब आते हैं, यहाँ के लोगों का आरोप है कि वो तो कभी घूमने को निकलते नहीं है, उनके पास जाते हैं तो सीधा दुर्व्यवहार करते हैं और बात करने की सलीका सिखाने लगते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि वो अपने वार्ड में किस तरह से काम किए हैं, क्या उनकी काम की कार्यशैली रहा है, तो उनसे क्योंकि ये साफ साफ हम हमेशा देखने को मिलता है कि यहाँ लोग पीलिया से ग्रस्त है, तमाम तरह की बीमारियां सामने आती है, तो इस तरह से ये जिम्मेदार कौन होगा, तो आखिरकार जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है वो अपने काम नहीं निभा रहा है, इसका कहीं ना कहीं नतीजा ये देखने को मिल रहा है और लोगों का कहना है अब उनको बदलाव चाहिए। कैमरामैन जगह के साथ सत्या राजपूत।
चलिए अब देखते हैं स्वराज सरकार में क्या है खास।